उसको मानने का काम है एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और संघर्ष समिति के लोगों के राय से प्रथम बार प्रारंभ किया गया है। इसलिए अपने तरफ से आयोजक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विषय चूंकि विषय रखा गया है सोनपुर कल आज और फिर कल, तो आप हम सब लोग सोनपुर के लोग हैं। सोनपुर की अपनी ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रहा, यह वह भूमि है जहां एक पशु ने पुकार दिया, पशु ने पुकारा तो नारायण स्वयं में परिणत हो गए, वैसी भूमि। आप यहां दुनिया में, दुनिया के अंदर जब द्वंद्व चल रहा था तो सैव वैष्णवों का यह मिलन स्थल यही सोनपुर। आप सोनपुर के बनावट को देखेंगे या सोनपुर नगरी गंगा और गंडक के किनार पर अवस्थित है, और आप वैसे भी सोनपुर का आकलन करेंगे तो देखेंगे कि विभिन्न संप्रदाय का यहां, विभिन्न संप्रदाय धर्म रूप के मानने वाले लोग, उनका मठ हो मंदिर यहां सोनपुर के अंदर जो है प्रतिस्थापित है। इतना ही नहीं, हमारा सोनपुर मंडल एक छोर जहां से प्रारंभ होता है वहां जो है बाबा हरिहर नाथ बैठे हुए, हरि और हर, और अपने हिंदू शास्त्रों में हरि विष्णु और हर भोलेनाथ, तो यह अपने शास्त्रों में जो आराध्य देव है वह स्थल से हमारा अनुमंडल एक छोर पे वैसे लोग बैठे हुए हैं। दूसरा छोर जो है अंबिका स्थान, मांबिका स्थान यानी आदि शक्ति माता का स्थान, और चूंकि यह वैसा स्थान है बहुत सारे लोग, चूंकि दुर्भाग्य है इस बिहार का कि बिहार के अंदर इतने पवित्र भूमि, इतना ऐतिहासिक गौरवशाली भूमि रहने के बावजूद भी हम उस दिशा में उसको विकसित नहीं कर पाए, लोगों के बीच नहीं ले गए। आदि शक्ति माता का जो मंदिर अंबिका स्थान प्राप्त है वह नारायणी रूप, वह भगवती शिव दूती है, और जिसको वेद पुराण और आज की वर्तमान दुर्गा सप्तशती जो दुनिया पढ़ती है, भगवती को याद करती है, उसमें वर्णित रहस्य था। तो वैसे एक छोर पे बाबा हरिहर नाथ और दूसरे छोर पे आदि शक्ति माता। जब मैं उसे स्थान के बारे में समझने लगा कि आमी क्यों, मैं सोचा कि अंबिका स्थान है तो गांव का नाम आमी क्यों पड़ा, तो आमी बंगला शब्द है। एक समय में बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक ही राज्य हुआ करते थे, और बंगला शब्द आमी मतलब मैं, भगवती कहती है, आदि शक्ति माता कहती मैं ही हूं इस सृष्टि को संचालन करने वाला, चलाने वाला। इसलिए वैसे स्थान पर हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, सोनपुर मंडल के रहने वाले सब लोग पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है, इसलिए ऐसे जगहों पे हम सब लोग का जन्म हुआ है। हम सब लोग वह भूमि के अनुमंडल की यह विशेषता कल का, तो हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि कल जो हमारे सोनपुर की ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी प्रासंगिकता रही है उस जमाने में, आज हम कहां हैं, इस बात का आज बदली हुई दौर में आज हम कहां, इस बात को हम सब लोगों को ध्यान रखना। अनुमंडल यह तो शाश्वत सत्य है, और प्रजातंत्र का यह और सरकार का यह काम है, रूटीन वर्क, जब संख्या बल के आधार पर मंडल बनना है, जिला बनना है, पंचायत बनना है, यह तो संवैधानिक बात है, तो आने वाले काल में जिला बनेंगे,
अनुमंडल बनेंगे, ब्लॉक बनेंगे, या तो बनता रहेगा या तो काम है होता रहेगा। लेकिन हमको विचार करना होगा जो विषय आज ने तय किया है कि कल का संकुल का जो अस्तित्व था, गौरवशाली इतिहास था, दुनिया को दर्शन देने वाला जो भूमि था, आज हम किस स्थिति में है या हम सब लोगों को विचार करना होगा। और आने वाला कल सोनपुर का, इस पर हमको ध्यान देना होगा कि जब एक तरफ देश हमारा प्रधानमंत्री जो अमृत महोत्सव का देश मना रहा है, अमृत महोत्सव काल मना रहा है, उस दौर में हम चल रहे हैं, और कि देश का नायक ने निर्णय किया है कि 2047 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत बनाने का जो प्रण लिया है, जो तय किया है, तो देश रहेगा। और ये दुनिया की एक बात सब हम सब लोगों के जहन में होना चाहिए कि भारत हमारी भूमि, जिसको मैं भारत माता शान से कहता हूं कि भारत माता की जय, दुनिया में हम ही भारत के लोग हैं जो ये शान से कहते हैं भारत, अपनी भारत को, भूमि को भारत माता कहते हैं, माता सबसे जोड़ के कहते हैं अपने देश को, भारत को जमीन का एक टुकड़ा नहीं समझते हैं, दुनिया के लोग अपने देश को एक जमीन का टुकड़ा खंड समझता है, लेकिन हम भारत के लोग भारत को माता सबसे जोड़ के जीवन यापन करते हैं, शान से कहते हैं। दुनिया में और भारत जब शक्तिशाली होगा, यह प्रण लेना हमारा, जब एक तरफ दुनिया में भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का विचार देश का नायक कर रहा है, तो हम सोनपुर के लोगों को भी यह विचार करना पड़ेगा कि आने वाले दिन में मेरा सोनपुर अपने बीते हुए अतीत के गौरवशाली इतिहास को कायम कर पाएंगे कि नहीं, अपनी मर्यादा को बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, यह हम सब लोगों को तय करना। इसलिए मित्रों, मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही आग्रह निवेदन करते हुए, और मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुमंडल के सभी पदाधिकारियों को कि आपने समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपने आज शुरू किया है बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो लाइन ऑफ थिंकिंग अभी चल रही थी उसमें एक और